हाय मूवी शुविन, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है? अगर आपको स्माइल बरकरार रखनी है और अभी थोड़ा सा यंग बॉय हार्ट वाली टाइप की सीरीज देखनी है तो एक दो दिन हो गए हैं इसको, 3 दिन हो गए हैं आए हुए, तो आप वो सीरीज़ देख सकते हैं। इसका नाम है नेवर हैव आई एवर और इसका सीज़न 3 का आज आपके साथ रिव्यू करेंगे। इसके पहले के सीजन के भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, मेरे चैनल के ऊपर लाइव है, आप देख लीजिए। ये किस तरीके से ये टीन ड्रामा अलग है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्यों इसके इतने ज़्यादा फैंस बन गए हैं। क्योंकि हाई स्कूल ड्रामा तो आपने भी बहुत सारे देखे होंगे, क्योंकि ये कहानी है दोस्तों इंडियन अमेरिकन की, जिसका नाम देवी है। और जो इंडियन नुआंसेज हैं इसके अंदर वो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। अमेरिकन स्कूल भी दिखेगा आपको और इंडियन लोगों की जो स्टेट ऑफ अफेयर होती है ना अमेरिका में जाके, वो भी आपको अच्छा से लगेगा। ट्रेडिशंस को भी बरकरार रखा गया, जो मुझे फाइन बैलेंस नज़र आया ना कि जो हमारा इंडियन कल्चर है वो घर पे है और जो हम मॉडर्न आइडिया से रूबरू होते हैं वो है स्कूल के अंदर, लेकिन फिर भी बिना बदतमीज़ी करे और अपनी बात को रख पाना, जो बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो वो उस तरीके का यहाँ पर है। जो इंडिपेंडेंस जिसे बोलते हैं, पहली बार जब हम बाहर की दुनिया देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ सेटबैक्स भी हैं। जो मेन लीड है देवी का, बहुत ही अच्छा सा कैरेक्टर है, बहुत चेयरफुल कैरेक्टर है, बट उस सेटबैक्स को भी पीछे रख के शी लुक्स फॉरवर्ड टू वेरी वेरी पॉजिटिव स्पिरिटेड, जैसे कहते हैं ना, लाइफ को। और वो क्या कुछ एक्सप्लोर करती है वही सीरीज के अंदर 2 पार्ट में दिखाया गया है। सीरीज 3 एक और मेजर अपग्रेड लेती है जिसके अंदर आपको 10 एपिसोड्स देखेंगे। ह्यूमर बरकरार है, वाइब्रेंट है, चेयरफुल है, रियल है, और स्कूल हैज़ अ न्यू डायमेंशन। यहाँ स्कूल के अंदर पढ़ाई भी होती है, तो आप यहाँ पर लोगों का जो पढ़ाई में रुझान है वो भी देखेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस भी देखेंगे, जो इस पूरे ट्रेन ड्रामा को थोड़ा सा अलग बनाती है। तो कि आके आपको लाइफ लेसन भी प्रॉपरली मिले, आपको ऐसा ना लगे कि जो स्कूल होता है सिर्फ मस्ती के लिए होता है, रोमांस के लिए होता है, वो सब भी यहाँ पर है, दोस्तियाँ भी हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में भी है। तो इस टीन एज ड्रामा में जैसे मैंने आपको बताया कि देवी की जो कहानी आगे जाती है इंडियन ओरिजिन की है, सेटबैक्स भी हैं, लेकिन उसको भूल के वो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से शी वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर बॉयफ्रेंड्स। कॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेप ले लेता है यहाँ पर, मनपसंद कॉलेज स्पेसिफिकली, लर्निंग्स इन लाइफ, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स उसके आसपास की जो टोली है उन टोली के ऊपर भी पूरा इस बारी फोकस रखा गया। पहले आपने देखा था कि देवी का कैरेक्टर सेंट्रल कैरेक्टर और उसके आसपास लोग घूम रहे हैं, बट यहाँ पर उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आगे जाते जा रहे हैं। स्पेसिफिकली कमाला और मनीष का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने सीरीज देख रखी है। बाकी बेन का रोल भी क्रिटिकल है, उसका एक एपिसोड है पूरा, वो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और साथ ही साथ में जो बाकी उसकी फ्रेंड्स है, एलेनोर होगी, चाइलिसा होगी, फेबियोला होगी, ये सब जो उसके दोस्त बनते हैं, ये थोड़े से इसलिए दोस्त बन पाते हैं क्योंकि ये टिपिकल अमेरिकन्स नहीं है, ये वहाँ पर माइनॉरिटी हैं, और ये माइनॉरिटी का जो ग्रुप है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कॉन्वर्सेशंस करते हुए नज़र आएगा, जो आपको हंसाएगा भी और काफ़ी सारे लेसन्स भी देगा। और एंड ऑफ इट सीज़न 3 को जो अगर आप न्यूक्लियस देखोगे तो इट इज़ बेसिकली फोकसिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ दीज पीपल, और एक ग्रोथ जब आप देखते हो तो इनके चेहरों में तो दिखोगे, क्योंकि 3 साल हो गए इसको आते आते, थोड़ा चेहरे में तो दिखोगे, बट बेसिकली जो एक ट्रेट होता है ना जैसे ग्रोन अप्स में, कि मैं इवेल्युएट करूँगा कोई भी चीज़ ताकि मैं गलती ही ना करूँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है ह्यूमंस में, कि जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, लाइफ एक्सपीरियंसेस आते, तो आप इवेल्युएट करने की क्षमता ले पाते हो, वो इन बच्चों में था नहीं, जो अब आपको सीज़न 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको बताऊँगा नहीं, बाकी आप इन्जॉय करो सीरीज को, काफ़ी मज़ेदार है, सब लोग देख सकते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप स्ट्रेंजर थिंग्स कोई भी उम्र के लोग देखते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो आई एंजॉयड इट, थोड़ा डाउनसाइड यही है कि 10 एपिसोड हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रेच्ड आउट ज़रूर लगती है, जो थोड़ी छोटी हो सकती थी मेरे समझ के हिसाब से, लेकिन अगर आप इसको एज अ डेली सोप की तरह देखो कि 3-4 एपिसोड एक दिन के अंदर देख ले, तो आपको फिर कोई स्ट्रेसफुल नहीं लगता है, और लगता है कि चलो हर रोज़ यू लुक फॉरवर्ड टू सम गुड ह्यूमर, तो आपको लगता है कि चलो थोड़ी और देर तक मैं ऐसे जोन के अंदर, टेम्परामेंट के अंदर रह पाऊंगा। तो मेरा मूवी जो भी स्कोर रहेगा 9 out of 10, इट इज़ अ गुड वेल मेड सीरीज, और कोई डिप नहीं आने दिया है, तो जो एलिवेशन ही है बल्कि सीज़न 3 और बेटर और मैच्योर होता चला जा रहा है। बाकी हम मिलेंगे एक और रिव्यू के साथ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।